आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेस द्वारा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पौड़ी के सिविल लाइन स्थित वेडिंग पॉइंट में आयोजित जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष करण मेहर और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष गणित गोदियाल समेत अन्य नेताओं द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया गया। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष करण मेहर ने पूर्व में हुए चुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर मंथन किया। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस कार्यकर्ता सम्मेलन में अपनी सहभागिता निभाई। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष करण मेहरा जी पौड़ी में इस सम्मेलन में पधारे और जिस प्रकार से लोगों का यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोगों का ये इंटरेस्ट है कि हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन करें। इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग भी यहाँ पर शामिल हुए, इससे लगता है कि उस कैडर में वापस बढ़ोतरी हो रही है। और निश्चित रूप में मैं ये मानता हूँ कि मैंने ये इस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही थी जो आप कह रहे हैं, इस परिप्रेक्ष्य में कही थी कि सभी वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने ये बात कही थी और इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। यही तरीका है कि हम कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे, पब्लिक क्या चाह रही है, और वो फीडबैक मिला है। वो फीडबैक यह है कि हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं, अंकिता मर्डर केस, केदारनाथ की सोने की चोरी, जोशीमठ का नुकसान, SSSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, बच्चों पर लाठीचार्ज, ये ऐसे विषय हैं जिनको माँ बाप, आम आदमी सुनना चाहता है। OPS ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सुझाव हमारे कार्यकर्ताओं ने दिए हैं जिनको हमको प्रमुखता से उठाना है। मणिपुर, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान, किसानों का की मृत्यु, मंत्री का चलते हुए चलते आदमी को पीटना और उसके खिलाफ कुछ नहीं होना, मोदी के मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों को कुचल के मार देना, उसके खिलाफ मोदी का कोई कार्रवाई न करना, मोदी के एक MP के द्वारा मैं